नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 सीमांचल में। मैं मारुफुलन रहमान। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हम आपसे हम लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे भी हो हम लोग को निकाला जाए यहाँ से, क्योंकि एक दिन का हम लोग को वो करके कहा था, लेकिन हम लोग इस कानून को पालन किया। आप भी पालन करें, हम लोग भी मास्क वास्क लगा के घूमते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं होता है। अगर हमारे बीमारी है तो अल्लाह की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ से बुलाया जाए, घर लेके जाए। अगर हमको चेकअप भी करना हो तो हम चेकअप के लिए तैयार है, जहां रखना हो हम लोग तैयार है। लेकिन यहाँ भूखे मरने से बेहतर है कि हम लोग को यहाँ से निकाल लिया जाए। और जितने भी आदमी आप सुन रहे हैं हमारे सीमांचल के, अख्तर उल इमाम उबैसी साहब और क्या कहते हैं मुसब्बिर साहब, विधायक तौसीफ आलम साहब, हमारे प्रतिनिधि अभी विधानसभा का जो बादल में विधानसभा से हमारे जो विधायक, उससे हमसे ज्यादा रिक्वेस्ट, आप जहां कहीं भी आराम से बैठे हुए हैं थोड़ा हम लोगों का वीडियो को देखें, हम लोगों को परेशानी को देखें, ताकि हम लोग यहां से निकल चुके। हम लोगों के साथ रोना हो रहा है, हम लोगों के साथ पिटना हो रहा है, हम लोग खाने के लिए मजबूर है, भूखे भूखे हम लोग रह रहे हैं। क्या अपना जीवन को हम ऐसे रखें? तो बीमारी से अच्छा है कि हम लोग को यहाँ से निकाल लिया। अगर बीमारी हो तो मरने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत, अल्लाह अगर बीमार दिया तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा भूख प्यास हमको मरना बहुत नामुनासिब है। विधायक जी हमारी बात को सुने और हमारे बात को लेकर आप जहां भी हो नीतीश कुमार तक बात को फैलाएं और पूरा सीमांचल में दिखाएं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है। जितने भी हैं सबको दिखाओ, सारे परेशान है, किसी के पास रूम नहीं है जो रूम पे आके बैठे, ये एक दूसरे का रूम पे जा रहे हैं, गुदा मालिक भगा रहे हैं, दुकानदार भगा रहे हैं, दुकान में कहीं पर भी काम नहीं है और सबकी दुकान में ताला लगा हुआ है। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान एवं AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी से प्रदेश में फंसे बिहार सीमांचल के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, और साथ ही साथ वे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात एवं अन्य राज्य में हजारों लोग फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, लॉकडाउन के कारण बाहर निकलने से मोहताज हैं। आखिर बेबस इंसान करे तो करे क्या, किधर जाए, खाने पीने से मोहताज है। जनता कर्फ्यू में पता चला कि 31 मार्च तक रेलवे एवं फ्लाइट बंद रहेगी, तब तक हम लोगों में हौसला बहुत था, मगर अब हौसला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल दिए हैं कि तीन हफ्ते यानी 21 दिन लॉकडाउन रहेगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए 2-3 दिनों से इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, हम सब परदेशी को अपना अपना घर परिवार के लिए भेज दिया जाए, सरकारी बस सेवा बहाल की जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। इस पर सिर्फ बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने अपने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है, और साथ में विधायक ने अपने फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि मैं विधायक तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 52 से, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं कि लोग बिहार से बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों की जल्द से जल्द मदद करें, या तो उन्हें लाने की सुविधा की जाए या खाने पीने की उचित प्रबंध किया जाए, खासकर हमारे किशनगंज के लोग फंसे हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा दें।